गोरखपुर के रामगढ़ ताल किनारे बहुप्रतीक्षित लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ शुक्रवार को कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाइट एंड साउंड शो का लोकार्पण करने के साथ शहरवासियों को सौंप दिया गया। लाइट एंड साउंड कार्यक्रम के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर गोरखपुर सदर सांसद रवि किशन शामिल हुए। इस मौके पर सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के मार्ग पर बढ़ते हुए नए भारत का निर्माण हो रहा है। इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर गोरखपुरनी से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, गोरखपुर वासियों को सौगात मिल रही है जो महाराज जी का सपना था। जैसे आप लोगों को मैं पहले भी कहा और पूरा देश जानता, महाराज जी की आत्मा बस्ती है उत्तर प्रदेश में और खासकर गोरखपुर में। उनकी पहचान गोरखपुर ने, गोरखपुर ने इतने साल उनको सांसद बनाया, तो गोरखपुर को उस खुशी में, जीत की खुशी में कि इतने लाखों वोट गोरखपुर ने माननीय श्री मोदी जी और योगी जी के नाम पे हमको दिए, तो आज 9 करोड़ की लागत से लाइट एंड साउंड का यहाँ उद्घाटन होगा और ये इतना सुंदर, इतना भव्य होगा कि पूरा पूर्वांचल रामगढ़ ताल एक टूरिस्ट स्पॉट बनेगा, जहाँ पर हम चाहते हैं, महाराज जी भी चाहते हैं कि शूटिंग हो और एक शूटिंग के लिए भी एक आकर्षक जगह होगी। तो बहुत जल्द आप लोग यहाँ पर शूटिंग देखेंगे गोरखपुर वासियों के साथ साथ। पूरे पूर्वांचल के लिए खुशखबरी है कि गोरखपुर में अब सारी ऐसी योजनाएं आ रही हैं जिससे एक अट्रैक्शन होगा। हम चाहते हैं यहाँ शूटिंग हो, यहाँ रोजगार बढ़े, यहाँ पर्यटक ज़्यादा आए, लोग इसको देखें, गोरखपुर का नाम हो। गोरखपुर का नाम आज पूरे देश में हो रहा है। बड़ी बड़ी योजनाएं, 20,000 करोड़ की योजनाएं माननीय श्री मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री अद्भुत योगी जी ने गोरखपुर के लिए लगाई है। तो 20,000 करोड़ का निवेश हो रहा है, कार्य चल रहा है और गोरखपुर एक स्वर्ग बनने की ओर अग्रसर है। आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, हम लोग एकदम, हम जब भी आते हैं आप लोग हमेशा देखें कि हम आते हैं एयरपोर्ट से उतरते हैं, हम अपने निरीक्षण पे निकल जाते हैं। और अभी मैं 4 तारीख से वापस आ रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरी लगातार जो विजिट है, पुरानी फिल्में जो थी सब वो शूटिंग खत्म कर रहा हूँ और मैं अपने सारे कार्य में धीरे धीरे गोरखपुर की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। अभी हमारे MP लैड भी आएगा, उसके भी कार्य लगेंगे, या भी बहुत सारी खुशखबरियाँ आएंगी और सिर्फ और सिर्फ महाराज जी जनता के लिए कर रहे हैं। गोरखपुर की जनता को कोटि कोटि नमन कि आप लोगों ने जो जीत महाराज जी को दिलाई, जो जीत भारतीय जनता पार्टी को दिलाई और ये भारतीय जनता पार्टी की सौगात है आप सबके लिए, जो अभी हमने कुछ ही देर में हमारे मुख्यमंत्री साहब आएंगे और आपके सामने इसको एक निपेंसी रोड या मुंबई का जुहू जिसको कहेंगे, ये उसके सामने फेल हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ।